वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मोदी सरकार ने कदम बढ़ा दिया है और इसी खबर से के हर पहलू पर हमारी चर्चा है और बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट क्या है आपको बताएं, राजनीति गर्म है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। राजनीतिक महकमे में जिस तरीके की हलचल है उसको हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और एनालिसिस भी करके समझाएंगे कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। फिलहाल जो ताजा बयान है वो ताजा अपडेट ये है कि ध्यान भटकाने के लिए इसको लाया जा रहा है, इस चर्चा को छेड़ा जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया है और इसके अध्यक्ष को चुन लिया है। इसके बाद इसके इस खबर के सामने आने के बाद कई तरीके से राजनीतिक अमले में लोगों की बयानबाजी शुरू हो गई है, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और माना जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमिटी रचा दिया गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। तो देखिए, अब बातों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन तस्वीर ये साफ है कि कमेटी बन गई है, आगे क्या होगा इस पर बात होगी। लेकिन हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, आशीष है मुंबई से, नीरज हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। आशीष आपके पास आ रहे हैं, और अगर हम बात करें विपक्ष की तो लगभग पूरा विपक्ष इस वक्त मुंबई में ही है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, क्या एक सुर से विरोध की बातें ही हो रही हैं इस कमेटी को लेकर जो बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? देखिए, थोड़ी देर पहले जैनेन्द्र बात कर रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, ये जो इंडिया अलायंस की बैठक है ये होस्ट कर रही है शिवसेना, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इसको फेडरल स्ट्रक्चर पर वॉर मानते हैं, ये ठीक तरीका नहीं है। भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बनिस्पत, और इसके पहले भी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई थी, कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद कहा था कि उनको लेकर आने दीजिए प्रस्ताव, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सिर्फ डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है। अरविंद केजरीवाल कल इस पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं, ममता बनर्जी पहले अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। तो आप ये मान के चले, असदुद्दीन ओवैसी जो कि अलायंस का हिस्सा नहीं है लेकिन विपक्ष में है और उन्होंने भी इसका विरोध किया, तो कुल मिलाकर के पूरा जो विपक्ष है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे विपक्षी पार्टियां, अभी इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये स्मार्ट मूव जरूर लिया है कि इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, जो कि ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आगे चल के सभी दलों से वो कंसल्ट भी करेंगे, लेकिन विपक्ष ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, वो सरकार के इस मूव को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स मानते हैं और इसका विरोध करने की शुरुआत करी जा चुकी है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो ट्रिक है क्या वो कारगर साबित हुई? आशीष, मैं नीरज जी के पास आऊं और इसके बारे में दिल्ली की हलचलों का रुख करूं, मैं समझना चाहती हूं कि उस मीटिंग में एग्जैक्टली जो पॉइंट्स होते हैं उसके इतर इस पर भी चर्चा संभव है? देखिए बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि ये जब कल मामला सामने आया था, जब स्पेशल सेशन की बात हुई थी, तभी जो टॉप लीडर्स इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं उन्होंने खुद ही एजेंडे से फर्क जाके इस मामले को कल इनफॉर्मल मीटिंग में उठा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि ये कोशिश है सरकार की विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की। तो सही है कि कोशिश है, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती है कि नहीं, उसकी कमान किसके हाथ में, मुंबई से इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आइए दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली में जिस तरीके से इस खबर का असर देखने को मिल रहा है नीरज, जगह जगह से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, कलेक्टिवली किस तरीके का माहौल बनता दिखाई दे रहा है?
देखिए निश्चित रूप में विपक्ष एकजुट होगा और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार ने इस पूरे मसले को बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया। इसीलिए उन्होंने आप देखिए कि देश के सुप्रीम कस्टोडियन रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका प्रेसिडेंट बना, इसका अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा भी आप देखेंगे जब ये कमेटी के पूरे जो नियम कानून सामने आएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसमें पूर्व जज रहेंगे, पूर्व चुनाव आयुक्त रहेंगे और भी कई अधिकारी हो सकते हैं। तो जब सभी लोगों के बीच में ये ड्राफ्ट पर बात होगी, इस पर लोगों की राय ली जाएगी। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2018 में ऐसे ही लॉ कमीशन की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और बाकायदा उसमें पब्लिक अपील भी जारी की गई थी, लोगों से उनसे राय भी मांगी गई। तो बहुत कुछ काम तो 2018 में लॉ कमीशन ने कर लिया था। अब एक बार फिर से सरकार ने इसको टेकअप किया है और एक कमीशन गठित किया है और इस कमीशन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, आप समझिए कि देश के राष्ट्रपति बिल्कुल यानी कि रामनाथ को पूर्व राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया। हालांकि सियासी बातें हो रही है उस पर भी आएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।